आता है ना। एक स्टूडेंट कह रहा है सर हम जो है राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में सिलेक्शन कैसे ले, पढ़े कैसे। ठीक है देख मेरे भाई, अगर आपको राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में आपको सिलेक्शन लेना है, सेकंड ग्रेड में आपको सिलेक्शन लेना है, आप चाहते हो कि मैं लाइब्रेरियन बनना बनूं, ठीक है, आप चाहते हो कि जो है मेरे घर के बाहर भी जो है ना एक नेम प्लेट लगे, उसमें लिखा हुआ मिले लाइब्रेरियन, ठीक है, और आपका नाम लेगे, आपके माता पिता आप पर गर्व करें, तो एक साथियों हमेशा आपको चीज ध्यान रखनी है कि पढ़ना है, ठीक है। रेगुलरिटी साथियों रखोगे ना आप तो ही साथियों सिलेक्शन तक आप पहुंच सकते हो, ठीक है। अब रेगुलरिटी का मतलब ये नहीं कि आप दिन रात पढ़ रहे हो, आपको पता ही नहीं है सिलेबस क्या है, किस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना है। आज के समय में जो स्टडी या सिलेक्शन तक वो पूछ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं जो अपने आप में स्मार्ट स्टडी करते हैं, ठीक है, एक नए कंटेंट के साथ विद अपडेशन के साथ, उसके पास टारगेट है, उसके पास अपना लक्ष्य है कि मेरे को इतने दिन में जो है इतने महीने में सिलेक्शन जो है लेना है, इतने दिन में मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है, एग्जाम ऐसे जो है दो महीने बाद हो जाए तो मैं एक बार क्या कर लूँ पूरा का पूरा कंप्लीट कर लूँ। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मतलब आउट ऑफ सिलेबस भी जाकर है ना आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, सिलेबस में कुछ टॉपिक और दे रखा है, आपका सिलेबस क्या है आप पढ़ रहे हो, नेट का लेवल तक पढ़ रहे हो, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो जो आपका लेवल है ना उस लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ो आप, ठीक है। हर एग्जाम में साथियों आप सभी को पता है कि दो तीन चार पांच क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो अप्रूव सिलेबस जाकर आते हैं, नेट के लेवल के आते हैं, ठीक है, आप उनके पीछे बढ़ते हो, उन पांच क्वेश्चन के चक्कर में जो है ना 95 क्वेश्चन छोड़ देते हो। तो पहली चीज तो यह ध्यान रखना अपने सिलेबस के अपने लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ो। आप कहीं से भी स्टडी कर रहे हो, अगर वो टीचर वो शिक्षक जैसे संस्थान की हम बात करें वो आपको सही कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है, उस कंटेंट पर आप भरोसा करके चल रहे हो ना, अगर उस कंटेंट से लगभग 70 या 80 क्वेश्चन भी आ गए ना तो भी आपका सिलेक्शन है। मैं एप्लीकेशन पर हर स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि भैया आप पढ़ो, विश्वास करके रखो, आपने बहुत सारी तैयारियां की, बहुत सारे एग्जाम दिया, एक बार असल से फिर विश्वास रख लो, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है ना वो पढ़ो आप, ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है, जो नोट्स हो गए आपके, जो नोट्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है आपको डेली, आपकी लाइव क्लास हो रही है, टेस्ट हो रहा है, टेस्ट का सॉल्यूशन है, मतलब आपको पूरा एफर्ट देना है, ऐसा नहीं कि पूरा एफर्ट नहीं दे रहे हो आप, ठीक है। दूसरा जो है ना आपका हम बात करें जैसे राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड है, इस राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की साथियों मैं बात करूं तो इसमें जो है ना पेपर की बात करते हैं, पेपर इसमें दो पेपर है, ग्रेड थर्ड में कितने पेपर आपके, दो पेपर। अब स्टूडेंट्स 90% से अबाउ है ना क्या करेंगे, या तो पेपर फर्स्ट को बहुत ज्यादा अत्यधिक महत्व देते हैं या पेपर सेकंड को महत्व अत्यधिक देते हैं, बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस इतना देते हैं कि पेपर फर्स्ट को पढ़ने का मन ही नहीं करता है, या तो जो है ना किसको दे रहे हो आप इंपॉर्टेंस, आप दे रहे हो पेपर सेकंड को या इंपॉर्टेंस दे रहे हो पेपर फर्स्ट को, ठीक है। एसएलसी से आपने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लिया, पेपर सेकंड की कर लिया, सर पेपर फर्स्ट हम खुद पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा हुआ है कि आपका नहीं, कितने दिन पहले, बहुत दिन हो गए सर, कुछ मामला ठीक नहीं है, तो ये नहीं है कि आप पेपर सेकंड के बेस पर आप सिलेक्शन निकाल सकते हो, कतई नहीं, कभी भी नहीं होगा। आप दोनों को साथियों बराबर वेटेज देते हुए चलोगे ना तब जाकर क्या होगा साथियों आप सिलेक्शन तक पहुंचोगे। आप लाइब्रेरी साइंस को पूरा पढ़ रहे हो, पेपर फर्स्ट को आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। पेपर फर्स्ट में जो है ना साथियों बिल्कुल मतलब यूं मान के चलो, मैं आपको बोलूँगा ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी भी जो है ना आप बोलो सर मेरी राजस्थान ज्योग्राफी तो क्लियर है, इंडियन और वर्ल्ड नहीं है, जब एग्जाम आएगा नजदीक तब मैं क्लियर कर लूंगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भैया बाढ़ आएगी तब हम जो है ना तैरना सीख लेंगे, है ना, या समुद्र में जा रहे हैं समुद्र में या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो तब सीखेंगे भैया उसमें, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको साथियों अपने आप को पहले से तैयार रखना है, ठीक है, पहले से तैयार रखना है आपको, ये पहली चीज तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट में भी साथियों आप सभी को पता है कि राजस्थान का इसमें पार्ट रहेगा, आपका इंडिया का पार्ट इसमें है और वर्ल्ड का पार्ट है, तो ये पूरा आपको तैयार करना है। अब आपने पढ़ लिया, आप प्रैक्टिस लगा रहे नहीं हो, सर हमने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, हम प्रैक्टिस लगाएंगे बाद में, तो मैंने साथियों रिवीजन है, पढ़ता हर कोई है, हर स्टूडेंट पढ़ता है, हर स्टूडेंट अपना लगभग एफर्ट लगाता है, लेकिन रिवीजन नहीं कर पाता है, सर मेरे को याद नहीं रह पाता है, भैया सबको ही नहीं रह पाता है, अगर याद हो जाता उसको एक बार पढ़ने से याद हो जाता तो वो आईएएस मटेरियल है, वो आईएएस की तरफ जाता है ना, यस यानू। तो आपको जो है ना रिवीजन, भाई आप अपने आप में जो है ना अपने आप को खुद को पहचानो कि मैं एक टॉपिक को इसको 10 दिन में 12-15 दिन में तो वापस इसको रिवीजन करना ही करना है,
ठीक है, साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाइए आप, जितना प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाओगे उतना भाई प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाते हैं तो आपकी उसमें एक्यूरेसी का पता चलता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, कितने क्वेश्चंस आप सही कर रहे हो, कितने क्वेश्चंस गलत कर रहे हो, ठीक है। और उस एक्यूरेसी को जो है ना आपके शुरुआत में लगभग जैसे एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे टेस्ट भी देते हो आप लोग, ठीक है, तो उसमें एक्यूरेसी शुरुआत में कहीं हो कि 50, फिर उसके बाद 60, 62, 63, 70 के बाद में धीरे धीरे आपकी जो है ना उस एक्यूरेसी 95 प्लस लेकर आना है। मतलब आप साथियों 100 क्वेश्चन अटेंड करो ना तो 95 तो आपके सही होने चाहिए, अटेंड करने की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ना आपको अपने आप को एक्यूरेसी, इसी प्रकार सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट कहीं बोलो मतलब अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस आ जाते हैं। जैसे ऑफलाइन क्लासेस की मैं बात करूँ तो ऑफलाइन क्लासेस में कई ऐसे स्टूडेंट है आते हैं, एक आध मिल ही जाता है ऐसा नमूना कि शुरुआती स्तर में 2-3 क्लास हुई, मतलब डेली पढ़कर आ रहा है, अब उसको पढ़कर आ रहा है, क्लास में क्वेश्चन पूछा उसको आ रहा है, तो उसको और कॉन्फिडेंस हो जाता है अपने आप को, ठीक है, 2-3 इधर उधर से पढ़कर आ जाता है और स्टूडेंट को ऐसा समझता है कि इसको कुछ ही नहीं आता है, कि तू क्या कर रहा है, देख मेरे को आता है। तो एक चीज हमेशा जो है ना ये ओवर कॉन्फिडेंस ना, अपना घमंड करना, ये कभी भी नहीं, ठीक है। कई बार ऐसे जो है ना ऐसा जो क्वेश्चन लेकर आ गया जो आउट ऑफ सिलेबस है या कुछ उसका तुक्के नहीं निकलता है, तो वो पूछा जाता है स्टूडेंट से या पूछ लेता है भाई अपने साथियों से कि आता है नहीं आता है, तो क्या कर रहा है, किस सिलेक्शन तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, तो ये ऐसा घमंड है ना, ऐसा साथियों अपने आप को कभी भी नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल शांत रहकर तैयारी करनी है, ध्यान रखना शांत जो है ना, शांत रहकर तैयारी करोगे तो ही साथियों सिलेक्शन तक पहुंचोगे। यार ढिंडोरा पीटना स्टार्ट कर दी ना, ये ढिंडोरा पीटने वाले, ये घमंड करने वाले, ओवर कॉन्फिडेंस करने वाले कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं, ये आपको पता है, आपके बहुत आसपास में आपको मिल जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो शांत रहकर तैयारी करो, एक स्ट्रेटेजी बनाओ और उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है ना, बिना स्ट्रेटेजी नहीं चलना है। हमने आपको, मैं फिर कहता हूँ साथियों, टारगेट लक्ष्य जो है ना आपका, टारगेट डिसाइड करो कि सर हमारा टारगेट अब की बार क्या होना चाहिए, हमें जो है ना इतने मंथ में सिलेबस कंप्लीट करना है। हमेशा मैं स्टूडेंट्स को आपको यही कहता हूँ कि भैया पढ़ो कि बेच को एक टारगेट लेकर चलो कि मेरे को 2 महीने में 2.5 महीने सिलेबस कंप्लीट करना है। आपने लाइव ज्वाइन किया तो लाइव में जो चल रहा है उसको डेली आपका लाइव आकर लेना है। सर प्रैक्टिस में आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको लेना है, ठीक है। रिकॉर्ड बेच पर जा रहे तो रिकॉर्ड बेच को ऐसे नहीं कि आपने 2 दिन पढ़ा 5 दिन नहीं पढ़ा, टारगेट डिसाइड करके आपको, ठीक है। दूसरा, ठीक है, मैंने इसमें साथ ही प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है, प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है अपने आप में। आप तैयारी पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, इसके बाद प्रैक्टिस और अपडेशन, ठीक है। तो आपके जो है ना, जब तक मैं 1 साल की आपके कोर्स की वैलिडिटी रहती है आपको भी पता है, तो 1 साल में जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक मैं 2 से 3 बार 4 बार रिवीजन करवाता हूँ आपका कोर्स जो है। लगभग जैसे आपने कई पहले वाले जो मार्च वाले बेच ज्वाइन किया था उनका भैया मैंने दोबारा रिवीजन स्टार्ट कर दिया, तो आपका भी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो रिवीजन में हर बार मैं अपडेट लेकर आता हूँ, नोट्स बना लिया, अब 1 घंटे की रिवीजन क्लास लेनी है, तो आपका वैसे ही आपका रिवीजन हो रहा है भाई, हर टॉपिक का रिवीजन हो रहा है। पढ़ने से पहले एक बार रिवीजन क्लास में पढ़कर आ जाइए, कोई भी डाउट्स रहता है तो आप पूछ लीजिए। तो पढ़ना भैया आपको पड़ेगा, और स्ट्रेटेजी के साथ, विद स्मार्ट स्टडी के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। नहीं तो आपको पता है कि आस पड़ास वाले, आपके समाज वाले, रिश्तेदार जो है ना, यही एक ही दुआ करते हैं कि भैया ये जो है ना अपने टारगेट तक ना पहुंचे, ये यही कहते हैं कि निकम्मा है, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो अगर उनको गलत साबित करना है ना, तो उनको अभी नहीं दिखाना है कि मैं सही हूं, उनको कुछ करके दिखाना है। आपके माँ बाप की सोच है कि मेरा बेटा या बेटी नौकरी कब लगेगा, है ना, तो वो सोच इसलिए करते हैं कि भैया ये कब सक्सेस होगा। तो अगर उस सोच को साथियों बदलना है, अपने घर के ना बाहर नाम जो नेम प्लेट हो जाती है उसके बाहर लिखना है लाइब्रेरियन, ठीक है, कि आपका नाम लाइब्रेरियन, उसके बाद में नाम लिया जाए। सरकारी पोस्ट पर लगना चाहते हो तो पढ़ना पड़ेगा स्ट्रेटेजी के साथ, ठीक है। और ऐसा नहीं कि भाई एक टारगेट किया, एक टारगेट में फेल हो गए तो नहीं, मतलब जो सफल विद्यार्थी है ना, जो सफल हो जाते हैं, जो नौकरी लग रहे हैं तैयारी करके अभी, ठीक है, हाल फिलहाल में आपके जो भी आपके मित्र फ्रेंड्स जो भी है उनसे पूछो कितनी असफलताएं देखी है। एक सफलता के पीछे बहुत सारी असफलताएं होती है,
हम कोई मार्केट में विषय वस्तु परचेज करने जाते हैं तो हजारों विषय वस्तुएं होती है, उनमें से सभी विषय वस्तुओं को कैंसिल करके फिर अपन चूज करते हैं, तो सभी को तो लेकर नहीं आते हैं। ऐसे ही सफलता जो है ना ऐसे नहीं मिलती है, बहुत सारी असफलताएं रहती है उसके पीछे, बहुत सारी मेहनत रहती है, बहुत लोगों का साथियों सपोर्ट रहता है, ठीक है। तो तैयारी कर